इधर हाल ही में कई रेल दुर्घटनाएं हुई। खतौली में हुई दुर्घटना पर भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने बहुत सख्ती बरती। कई बड़े बड़े अधिकारी नपे, कई छोटे बर्खास्त हुए, बहुत कुछ हुआ। कुछ दुर्घटनाओं पर रेल मंत्री जी भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। खैर, प्रधानमंत्री ने मना किया। ये तो हुई रेल दुर्घटनाओं पर सरकार के रिएक्शन की बात। पर यहाँ प्रश्न ये है कि इस तरह की रेल दुर्घटनाएं आखिर इतनी ज्यादा होती क्यों है? मैं ऐसी सोच रही थी कि ऐसी क्या चीजें होती हैं, तो आज तुम्हें एक घटना सुनाती हूँ। छोटी सी लापरवाही, छोटा सा नज़रअंदाज चीज़ों को करना कितनी बड़ी घटना बन जाता है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं वही दिल्ली में अपने मामा जी के पास रह करके पत्रकारिता का कोर्स कर रही थी। घर आगरा में था, तो दिल्ली से आगरा जाना था। पेपर में आया कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो दिल्ली से ग्वालियर होते हुए आगे तक जाया करती थी, वो आगरा में रुकने लगी। मैं बड़ी खुश हुई क्योंकि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का समय बड़ा अच्छा था, सुबह जल्दी जाओ और भीड़ बढ़ने से पहले घर पहुंचो। मैंने मामा जी से कहा कि मैं आपकी छुट्टी में उसी से चली जाती हूँ। मैं कहा ठीक। मेरा कज़िन था उस समय 10-11 साल का रहा होगा, वो मेरे साथ गया स्टेशन पर मुझे बैठाने के लिए। स्टेशन घर के बिल्कुल पीछे था, निज़ामुद्दीन ईस्ट में हम रहा करते थे, निज़ामुद्दीन से ट्रेन चलती थी। वो गया, उसने वहाँ इंक्वायरी क्लर्क से पूछा कि एक छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का आगरा का टिकट दे दो, आगरा रुकने लगी ना। उसे टिकट दिया, बोला हाँ। देखा मेरी जीजी अकेली जा रही, कह नहीं कोई बात नहीं, रुकती हूँ। उसने मुझे टिकट दिया, जीजी मैंने पूछ लिया और रुकती। मैंने कहा पूछना क्या, पेपर में तो था ही, हमें पेपरों पे बड़ा भरोसा था, बुकिंग क्लर्क पे बड़ा भरोसा था। भाई दुनिया की बहुत सारी चीज़ें मालूम ही नहीं थी, और उसे तो कुछ ही नहीं पता था। उससे तो कहा, उसने मान लिया। हम ट्रेन में बैठ गए, वो घर चला गया, ट्रेन चली। इत्तेफाक से सामने की सीट पर हमारे कॉलेज के दो लड़के भी बैठे थे, वो हमारे सीनियर थे, ग्वालियर जा रहे थे। उन्होंने कहा आप तो आगरा की रहने वाली हैं, आगरा में ही तो पढ़ती थी। हमने कहा हाँ हम आगरा जा रहे हैं। कहा आगरा जा रही है, ये ट्रेन तो आगरा नहीं रुकती। मैंने कहा नहीं रुकती है, पेपर में निकला था। तो उसने हाँ पेपर में तो बहुत कुछ निकलता रहता है। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। उसने टिकट दिया एक्सप्रेस ट्रेन का, और मेरे कज़िन ने पूछा था, बुकिंग क्लर्क ने कहा हाँ रुकती है। वो लोग बोले भाई आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं, वैसे रुकती नहीं है क्योंकि इधर 2-3 दिन पहले ही हम गए, अब हम चक्र हैं। खैर हमें तो बुकिंग क्लर्क पे भरोसा था, अखबार पे भरोसा था, वो तो गैर जिम्मेदार हो ही नहीं सकते थे हमारे हिसाब से, तो हम आराम से बैठे रहे। आगरा में राजा की मंडी स्टेशन आया, एक लड़का ट्रेन से उतरा, और जैसे लड़कों की आदत होती है लौटिहार पर, वो ट्रेन के साथ साथ चलता रहा। ट्रेन थी नहीं, हम सोचते रहे अटैची लिए कि अब ट्रेन रुकेगी तो हम उतरेंगे। ट्रेन ने स्लीप पकड़ ली, वो चढ़ गया। बोला हमने आपसे कहा था अगर ये पता होता तो इतनी कम स्पीड थी हम तो आपको उतार देते। हमने कहा अब हम क्या करें, कैंट भी निकल गया, कैंट पर भी नहीं रुके, अब हम बहुत परेशान। बुकिंग क्लर्क ने बिना कुछ सोचे समझे कि उसके विश्वास पर कोई चला जाएगा और उसके ऊपर क्या गुजरेगी, या पेपर वाले ने ये ना जानकारी करना कि ऐसा कब से होगा छाप देना, दोनों ही बातें मेरे ऊपर भारी पड़ गई। अब मैं तो भाई आगरा से ग्वालियर विदाउट टिकट हो गई।
अगर कोई आता तो कौन सुनता मेरी बात कि बुकिंग क्लर्क के कहने से मैं बैठ गई थी। अब मैं बहुत परेशान। आगरा से ग्वालियर की यात्रा लंबी नहीं है, थोड़ी सी देर में ग्वालियर आ गया। उन लोगों को ग्वालियर उतरना था, उन्होंने मुझसे कहा आप ग्वालियर उतर जाइए। मैंने कहा वो तो मैं उतर जाऊँगी। ग्वालियर मेरा अपना ही शहर था, मेरे बड़े मामा जी वहाँ रहते थे, शहर का चप्पा चप्पा मालूम था, मैं जा सकती थी। लेकिन प्रश्न ये कि मैं स्टेशन से बाहर कैसे निकलूँगी, मेरे पास तो टिकट ही नहीं। उन लोगों ने कहा आप उतर आइए और इंतज़ाम करते हो कि आगे तो और भी आपके लिए मुश्किल हो। मैंने कहा ये तो है, हम उतर आए। उतरने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप इस बेंच पर बैठ जाएं। उस बेंच के पीछे जो प्लेटफॉर्म की दीवार थी उसमें झिरियाँ बनी थी। मैंने कहा हम इस झिरी से आपको चुपचाप टिकट दे देंगे, कोई जान नहीं पाएगा। मैंने उन लोगों को पैसे दिए, वो बाहर निकले। बाहर निकल के उन्होंने एक ग्वालियर से आगरा का टिकट खरीदा, झिरी में से मुझे दिया। चोर की तरह मैंने वो टिकट लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। जब वो चले गए तो मैं ये निश्चिंत हुई कि मेरे पास अब टिकट है, पुलिस का मुझे डर नहीं है, मुझे कोई बंद नहीं करेगा। खैर उसके बाद पंजाब में लाई मैं, उसमें किस तरह घुस करके घर वापस आई, यहाँ पापा मम्मी का क्या हाल था। पापा ग्वालियर आने की तैयारी में थे, स्टेशन मास्टर से बात कर रहे थे, ये सब कुछ हुआ। पर मैं आज सोचती हूँ कि क्या इतने महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठकर हम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं उस व्यक्ति ने ये सोचा कि उसने उसको बच्चा समझ करके उसको टरका दिया, अपना समय नष्ट नहीं किया, ना ये जानने का प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस वाकई रुकती है नहीं रुकती है। जबकि वो ये भी कह रहा है कि मेरी जीजी अकेली जा रही है। चलो जीजी अकेली ना भी जा रही होती, कोई भी जा रहा होता, परिवार होता या किसी को कहीं ज़रूरी जगह जाना होता, आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं और आप मिसगाइड कर रहे हैं। और वो पेपर वाले तो धन्य है, तब तो भाई ये ख़ास बात थी कि बिना इंक्वायरी के किसी पेपर वाले ने छाप दिया। अब तो पेपर वालों से कुछ कहने वाला ही नहीं है, वो तो कुछ भी छाप सकते हैं, किसी भी नाम से छाप सकते हैं। अब तो उनके सच में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता उनको प्राप्त हो गई है और उससे वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अब तो नहीं कह सकते। लेकिन उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी कि बिना पूरी जानकारी किए कोई इस तरीके की सूचना छाप दे। और एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटा सा नज़रअंदाज करने का अंदाज मुझे, हो सकता है अगर मुझे टीसी मिल जाता या कोई पुलिस वाला मिल जाता तो कहो मैं, मेरा करियर ही ख़त्म हो जाता, मुझे तो जेल में ही रह जाना पड़ता, मेरे पापा को मैं ढूंढे नहीं मिलती। उस समय मोबाइल का और इनका ऐसा जाल भी नहीं था कि वो पता करते, क्या होता, मेरा जीवन ही नष्ट हो जाता। लेकिन क्या उस बुकिंग क्लर्क ने या उस पत्रकार बंधु ने अपनी इस लापरवाही के ऐसे अंजाम के बारे में सोचा था? हमें सोचना चाहिए कि छोटी सी सुई जो है वो कितना बड़ा नुकसान कर देती है, अगर वेन में चली जाए तो जानलेवा हो जाती है। इसलिए जहाँ भी हम हैं अगर अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझ लें तो शायद बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें टल सकती हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के पीछे बहुत छोटी छोटी लापरवाही होती है। हम कब सीखेंगे इंसान की कीमत?